हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे टेली ईआरपी 9 में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें टेली ईआरपी 9 को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे इस तरीके से दिखाई देगा, तो हमें ओनली सीखने के लिए हम इस टेली को चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें लाइसेंसी उपयोग नहीं करेंगे। इसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है। इसके लिए शॉर्टकट की भी है अल्ट प्लस डब्लू सेलेक्ट करें, इंटर प्रेस करेंगे। फिर हमारे स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है सर्च कंपनीज, हम अल्ट प्लस F1 एक साथ प्रेस करेंगे जिससे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। ये आ गया है क्रिएट कंपनी, इसको एरो के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्लिक कर लेंगे। अब स्क्रीन में दिखाई दे रहा है डायरेक्टरीज, जो कि हमारा टेली जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होने के बाद वो सी ड्राइव में स्टोर है, ठीक है। अगला जो दिखाई दे रहा है नेम, इसमें हम जो कंपनी बनाना चाहते हैं, जो कंपनी क्रिएट देना करना है उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देना है तो हम कंपनी का नाम देते हैं कंप्यूटर केयर 2, ठीक है। कंप्यूटर केयर के नाम से बना हूँ इसलिए मैं इसको कंप्यूटर केयर 2 लिख रहा हूँ। मेलिंग नेम, ठीक है। एड्रेस देते हैं डबरा, पूरा डिटेल दे सकते हैं, बाकी मैं इतना ही दे रहा हूँ। अब कंट्री कौन सा है उसको हम सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा कंट्री है इंडिया, इसलिए यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, छत्तीसगढ़। इसके बाद हम पिन कोड दे देंगे 4956888। फ़ोन नंबर देना है, अगर जिनके पास है मोबाइल नंबर दे देना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। उसके बाद फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ 2692@rediff.com, जो है ईमेल आईडी। वेबसाइट अगर बना हुआ है तो वेबसाइट भी दे सकते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर आप कंपनी को कब से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसकी डेट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारा कंपनी स्टार्ट होने वाला बिगनिंग फॉर्म वाला, वो भी वो सेम ही डेट रहेगा, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि ये एक तारीख के अलावा कोई और भी डेट को मेंशन करता है कि नहीं करता है, तो इसको हम करके देखते हैं 5, ठीक है। 1 अप्रैल नहीं ले रहा है, मतलब ये एक तारीख को ही लेगा, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। 1 अप्रैल जनरली देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए वो 1 अप्रैल लिखा हुआ, लेकिन हम इसको चेंज करके हैं, इसको हम 2 फरवरी या फिर मार्च दे देते हैं। ये मार्च से आ गया, ठीक है, 1 मार्च से स्टार्ट होगा। उसके बाद टेली वॉल पासवर्ड, हमने पढ़ा था टेली एडवांटेज में कि टेली वॉल पासवर्ड हम अपने कंपनी को इनक्रिप्ट करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए हम पासवर्ड देना होता है। अगर आपको आ सकता है तो दे सकते हैं, नहीं आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पासवर्ड देंगे वो स्टार के रूप में शो होगा, ठीक है, हमें नहीं देना है। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आपको सिक्योरिटी को इनेबल करना है तो यस करना है, नहीं तो नहीं लगेगा। ये आपका करेंसी सिंबल जो कि रुपीज़ में हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसको इंटर करते हुए हमारी कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है यस और नो करके, तो हमको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमारी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर केयर 2, मतलब कंपनी क्रिएट हो गया है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं, ये 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक, क्योंकि 28 इसलिए लिखा है क्योंकि 2021 28 फरवरी जो है 28 का महीना है, इसलिए अगर 30 का होता, 31 का होता, अन्य अगर महीने की बात है तो वहाँ पर 30 या 31 लिखा होता, क्योंकि फरवरी 28 का है इसलिए 28 लिखा हुआ है। 1 मार्च जो है कौन दिन पड़ रहा है तो संडे है, ठीक है, ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। हमने किसी प्रकार कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किए हैं, तो ये नो वाउचर एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप यू ऑल
अंडरस्टैंड आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे।